नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपने कौन सा चैप्टर चल रहा था? अपना चैप्टर चल रहा था माँ कह एक कहानी, ऑब्जर्वेशन बुक में। कौन सी बुक में? ऑब्जर्वेशन बुक में पार्ट थर्ड माँ कह एक कहानी चल रहा था। इसका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, फर्स्ट ये वाला मैंने करवा दिया आपको, सेकंड वाला भी करवा दिया। अब ये है थर्ड, समझ में आ रहा है? थर्ड प्रश्न ये करना है आपने होमवर्क, इसमें करना है आपने होमवर्क में करना है आपने थर्ड प्रश्न आपने क्या है अपने होमवर्क में करना है। है क्या थर्ड प्रश्न? दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य पर राइट और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना। सही पर क्या करना है? सही वाक्य पर राइट का निशान और गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाना। ठीक है, ये मैं आपको ऑरली समझा देती हूँ, ये आप अपनी बुक में वैसे ही कर लेना। फर्क क्या है? सिद्धार्थ के पुत्र राहुल ने कहानी सुनाने की जिद की। सिद्धार्थ के पुत्र राहुल ने कहानी सुनाने की जिद की, तो क्या आएगा? राइट। फर्स्ट क्या आएगा? राइट कर लेना। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने हंस को घायल कर दिया, ये भी राइट आएगा। फिर है थर्ड, देवदत्त के कहने पर सिद्धार्थ ने उसे हंस दे दिया। देवदत्त के कहने पर सिद्धार्थ ने उसे हंस दे दिया, ये क्या आएगा? क्रॉस। ये क्या है? गलत। इस पर गलत कर लेना। न्याय पक्ष में देवदत्त की विजय हुई, ये भी गलत है। फोर भी गलत है। फाइव, सिद्धार्थ बड़े होकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये क्या आएगा? ये आपका राइट आएगा। फिर आगे है, सिद्धार्थ और देवदत्त का विवाद न्यायालय तक जा पहुंचा। सिद्धार्थ और देवदत्त का विवाद न्यायालय तक जा पहुंचा, ये क्या आएगा? राइट। फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, फिफ्थ सही है और सिक्स सही है। ये मैंने आपको मौखिक रूप में समझा दिया है, इसे आप अपनी बुक में कर लेना, यानी कि प्रश्न नंबर। अब मैं करवाने जा रही हूँ प्रश्न नंबर फोर। प्रश्न नंबर फोर कौन सा है? कक्षा की निम्न पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में। कक्षा की निम्न पंक्तियों, कक्षा के निम्न होते नीचे के वर्ण, जो पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, कक्षा के निम्न पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखे। तो चलिए पहले अपने कक्षा पढ़ते हैं। क्या है ये पंक्तियाँ जो अपने को उन्होंने कहा है कि इसका भाव लिखना है? अपने पंक्तियाँ पढ़ते हैं। कोई ने प्राग को उबारे तो क्यों ने अन्य उसे उबारे? ये प्राग बिना दोष के, निर्दोष को, यानी कि कोई निर्दोष को मारता है तो कोई देखने वाला भी मरता है, उसकी रक्षा करने वाला भी मरता है, उसको क्या करना चाहिए? उसकी हमेशा रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, निर्दोष को मरते हुए देखना नहीं चाहिए। रक्षक पर भक्षक को मारे न्याय धर्म का, जो किसी की रक्षा करता है वो कभी भक्षक नहीं बन सकता। तो चलो इन पंक्तियों का भाव अपने अपनी में लिखना है, आप लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन बुक में लिखना है इन पंक्तियों का भाव। चलिए मैं शुरू करती हूँ इन पंक्तियों का भाव आप ही करोगे। यदि कोई व्यक्ति अपराध
पंक्तियों का भाव, जो पंक्तियों उन्होंने अपने से पूछी थी उन पंक्तियों का भाव है। प्रश्न नंबर 4, मैं ये आंसर एक बार फिर से रिपीट करने जा रही हूँ। धन्यवाद।